नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में तेज हुआ वैक्सीनेशन अभियान, बिहार में एक बार फिर सक्रिय हुआ मॉनसून, बिहार में जल्द ही बनेगा पहला सबसे बड़ा रिसाइकलिंग प्लांट, शुरू होते ही कल तक के लिए स्थगित हुआ मॉनसून सत्र, पंचायत और प्रखंड स्तर पर काउंसलिंग का शेड्यूल जल्द होगा जारी। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में तेज हुआ वैक्सीनेशन अभियान। बिहार में कोरोना के मामलों में भले ही कमी आ रही हो, मगर बिहार में वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर से किया जा रहा है। इसी कड़ी में पटना के सभी ग्रामीण और शहरी सेंटरों पर सोमवार को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। जानकारों की माने तो जिले में वैक्सीन का पर्याप्त भंडार होने के कारण वैक्सीनेशन अभियान में तेज गति से चलने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके बाद शहरी क्षेत्र के 43 सेंटरों पर आज वैक्सीन लगेगी। शहरी क्षेत्र में सभी 40 टीका एक्सप्रेस भी चलाई जाएंगी। टीका एक्सप्रेस के द्वारा वार्डों में जाकर वैक्सीन लगाई जाएंगी। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों के सभी पीएचसी और अनुमंडलीय अस्पतालों में भी वैक्सीन लगाई जाएगी। जिले में कोरोना की दोनों वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन आसानी से मिल रही है, जिसके फलस्वरूप अब कोई भी व्यक्ति आसानी से जाकर किसी भी सेंटर पर वैक्सीन की डोज ले सकता है। अब तक के आंकड़ों को देखें तो शहरी क्षेत्र में 82% से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन ले ली है, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्र में 25% से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन ले ली है। सावन की पहली सोमवारी आज, रविवार से सावन की शुरुआत हो गई है, वहीं आज इस साल के सावन का पहला सोमवार है। हालांकि कोरोना के कारण इस बार मंदिरों में भक्तजनों की भीड़ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि बिहार में कोरोना के मामलों में भले ही गिरावट आई हो, लेकिन सरकार संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए मंदिरों को नहीं खोलने वाली है। साथ ही सभी लोगों से घरों में रहकर ही पूजा पाठ करने की अपील भी की गई। वहीं आज सावन के पहले दिन शिव भक्तों ने सीमित संसाधनों में ही भगवान भोलेनाथ की गंगा जल, दूध, दही आदि से स्नान कराकर पुष्प और बेलपत्र अर्पित किया। वहीं इस बार कई सालों बाद सावन में 4 सोमवार का अनूठा संयोग बना है। 2 सोमवार कृष्ण पक्ष में तो वहीं 2 शुक्ल पक्ष में होंगे, यानी कि 1 सोमवार जुलाई में तो 3 सोमवार अगस्त महीने में पड़ने वाले हैं। पीएमसीएच में कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस के वार्ड भी हुए खाली, यह बात बिहार के लिए राहत की खबर है। जहां एक तरफ कुछ ही दिनों पहले कोरोना के इतने मामले सामने आ रहे थे कि अस्पतालों में जगह नहीं थी, वहीं राहत की बात अब यह है कि पीएमसीएच जैसे अस्पताल में मरीजों की भीड़ कम होने लगी है। आलम यह है कि पीएमसीएच में तो कोरोना और ब्लैक फंगस के मरीज अब नाम मात्र है, यानी कि साफ है कि अब बिहार में कोरोना के मरीज तो ठीक हो ही रहे हैं, ब्लैक फंगस के मामलों में भारी गिरावट देखने को मिल रही थी। रविवार की ही बात करें तो रविवार को सामने आए आंकड़ों के अनुसार ब्लैक फंगस का एक भी मामला सामने नहीं आया है, ना ही अस्पताल में कोई भी मरीज भर्ती मिला। रविवार को ही पीएमसीएच के आखिरी मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया। इतना ही नहीं, इन वार्डों में जिन जिन डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई थी उनके भी दूसरे वार्ड में ड्यूटी लगा दी गई है। बिहार में एक बार फिर सक्रिय हुआ मॉनसून। बढ़ती गर्मी के बीच बिहार वासियों को जल्द ही बारिश की बूंद का एहसास होने वाला है, क्योंकि बिहार में मॉनसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बिहार में अगले 24 से 48 घंटे के बीच मॉनसून की सक्रियता काफी ज्यादा बढ़ने वाली है, जिसके कारण बिहार के अधिकांश जिले में बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आज से मॉनसून की ट्रफ रेखा बिहार से होकर गुजरने वाली है, इसके कारण ही प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही उत्तरी हिस्सों के साथ दक्षिण भाग के मध्य में कहीं कहीं भारी बारिश, मेघ गर्जन के आसार भी जताए गए हैं। इतना ही नहीं, बिहार के कई हिस्सों में 29 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें पश्चिमी पूर्वी चंपारण, उत्तर पश्चिम बिहार, उत्तर पूर्व बिहार, दक्षिण पश्चिम बिहार, दक्षिण मध्य बिहार, दक्षिण पूर्व बिहार आदि जगहों पर रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। इन जगहों पर भारी बारिश के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात के आसार हैं। शुरू होते ही कल तक के लिए स्थगित हुआ मॉनसून सत्र। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। आज से शुरू हुए विधानमंडल का सत्र 30 जुलाई तक जारी रहने वाला। वहीं आज से शुरू हुए मॉनसून सत्र में पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वागत किया गया। हालांकि कार्रवाई शुरू होते ही माले विधायक ने खड़े होकर पिछले सत्र में विपक्षी विधायकों का मुद्दा उठाया और मांग करने लगे कि पिटाई करने वाले अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। माले विधायक इसी मुद्दे पर चर्चा करने की मांग करने लगे हैं, जिसके बाद बिहार विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने के 10 मिनट बाद ही तेजस्वी यादव सीट पर खड़े होकर एक प्रस्ताव रखना चाहते थे, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने अस्वीकार कर दिया और कहा कि आज इसके लिए उपयुक्त समय नहीं है, कल आप अपना प्रस्ताव दीजिएगा। वहीं विधायकों के विरोध पर विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने विपक्षी विधायकों को चेतावनी देते हुए कहा कि कुछ एक विधायकों के अमर्यादित व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिसके बाद सदन को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों की है भारी कमी। कोरोना के माहौल में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी एक भारी समस्या है। जहां इस वक्त स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की मौजूदगी बेहद जरूरी है, ऐसे में राजधानी पटना के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों की गैर मौजूदगी एक बड़ी चुनौती है। ज्ञात हो बिहार सरकार की तरफ से सभी स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सीय सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 52 चिकित्सकों के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। इसमें 26 स्थायी और 26 अस्थायी चिकित्सकों के पद थे। हालांकि अब तक केवल 10 ही चिकित्सकों ने अपना योगदान दिया है। इस बाबत पटना जिला सिविल सर्जन डॉक्टर विभा कुमारी ने बताया कि शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि लोगों का इलाज समय पर और आसानी से हो सके, लेकिन योगदान नहीं देने के कारण इलाज में भी परेशानी आ रही है। गंगा अगले साल तक पहुंच जाएगी राजगीर। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजगीर में हवाई सर्वेक्षण के बाद गंगा नदी को राजगीर से जोड़ने के लिए अहम ऐलान किया गया, जिसके तहत पटना जिले से शुरू होने वाले पाइपलाइन के जरिए अगले वर्ष मार्च तक गंगा जल राजगीर पहुंच जाएगा। इस बाबत मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से उस अलाइनमेंट का जायजा लिया, जिसके तहत गंगा जल को राजगीर पहुंचाया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राजगीर के बाद गंगा जल को नवादा और गया शहर पहुंचाया जाना है। वहीं बीते दिन अचानक से निर्माण कार्यों का जायजा लेने राजगीर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाथीदह गए, जहां से लोहे के बड़े बड़े पाइप के माध्यम से गंगा जल को राजगीर पहुंचाया जाना है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गांव के नक्शे के साथ पूरे अलाइनमेंट पर बात भी की। पंचायत और प्रखंड स्तर पर काउंसलिंग का शेड्यूल जल्द होगा जारी। शिक्षक नियोजन के दौरान हुई काउंसलिंग में गड़बड़ी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने अब नियमों में बदलाव कर दिया, जिसके तहत आगामी 2 से 9 अगस्त तक दूसरे चरण के चयन में भी नियोजन इकाइयों में नियुक्ति के इच्छुक अभ्यर्थियों को चयन के लिए 2-2 दिन समय देने का फैसला लिया गया है। दरअसल TET उत्तीर्ण ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही उत्तीर्ण हैं। ऐसे अभ्यर्थियों से 8 और कक्षा 1 से 5वीं दोनों कैटेगरी में स्कूल में नियुक्ति की योग्यता रखते हैं, लेकिन अभ्यर्थियों की पहली पसंद मध्य विद्यालय में शिक्षक के पद पर नियुक्ति होना है। हालांकि जो इसमें चयनित नहीं हो पाएंगे वो प्राथमिक शिक्षक अवश्य बनना चाहेंगे। बिहार में जल्द ही बनेगा पहला सबसे बड़ा रिसाइकलिंग प्लांट। बिहार में जगह जगह जमा हो रहे कचरे के निष्पादन को लेकर नगर निगम गंभीर है। यही कारण है कि नैली डंपिंग ग्राउंड कचरे के पहाड़ में बदलते जा रहे हैं, जिसके कारण आम लोगों के साथ साथ वातावरण को भी काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के तहत कचरे के निष्पादन का काम 5 अप्रैल से चल रहा है। वहीं अब बिहार के गया जिले में अब तक का सबसे बड़ा और पहला रिसाइकलिंग प्लांट बनने जा रहा है। इस बाबत नगर निगम आयुक्त सावन कुमार ने बताया है कि राज्य में कचरा के निष्पादन के लिए इतना बड़ा प्लांट नगर निगम द्वारा बनाया जा रहा है। कचरे का निष्पादन को लेकर कई आधुनिक मशीन लगेंगे। मशीन द्वारा कचरे को अलग अलग किया जाएगा। मशीन में सूखा कचरा कई में अलग अलग हो जाएगा। पटना एम्स में ऑपरेशन कराना होगा बेहद आसान। अब राजधानी पटना वासियों को ऑपरेशन करवाने के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि पटना एम्स में ऑपरेशन कराना अब और ज्यादा आसान और सस्ता होने वाला है। क्योंकि एम्स पटना के न्यूरो सर्जरी विभाग में 3 मशीन रोबोटिक माइक्रोस्कोप असिस्टेड न्यूरो एंडोस्कोपी स्टील्थ स्टेशन S8 जेंस RFD 3D स्पाइन की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी शुरुआत निदेशक डॉ PK सिंह, चिकित्सा अधीक्षक डॉ CM सिंह और विभागाध्यक्ष डॉ विकास चंद्र झा ने की है। नए मशीनों के कारण बिहार और आसपास के राज्यों के लोगों को भी अब ब्रेन की जटिल सर्जरी के लिए दिल्ली और मुंबई का रुख नहीं करना पड़ेगा। डॉक्टरों की माने तो इस मशीन से नए तकनीक से ऑपरेशन संभव होगा। मुकेश सहनी ने भाजपा से जताई नाराजगी तो विपक्ष का किया धन्यवाद। मुकेश सहनी और भाजपा के बीच भारी विरोध देखने को मिल रहा है। खासकर की फूलन देवी की प्रतिमा की स्थापना को लेकर भाजपा और सहनी के बीच शुरू हुए खींचतान के बीच सहनी ने विपक्षी दलों का धन्यवाद व्यक्त किया, जिसके तहत बीते दिन फूलन देवी की पुण्यतिथि पर जहां मुकेश सहनी को यूपी के अंदर घुसने की इजाजत तो नहीं मिली, लेकिन ट्विटर पर उन्होंने उनकी पुण्यतिथि को लेकर खूब ट्वीट किया। इतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव की तरफ से फूलन देवी को लेकर किए गए ट्वीट पर धन्यवाद व्यक्त किया है, जिसके तहत तेजस्वी ने अपने ट्वीट के माध्यम से फूलन देवी की एक तस्वीर साझा करके शत शत नमन किया। वहीं अखिलेश यादव ने भी बैंडेड क्वीन के नाम से मशहूर फूलन देवी को उनके पुण्यतिथि पर याद किया था। इस्लाम को भूलने पर भिड़े उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा उपाध्यक्ष। इन दिनों बिहार में जातीय आधार पर जनगणना का मुद्दा गरमाया हुआ है, जिसके तहत सरकार के ही दोनों गुट एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। इसी कड़ी में अब इस मुद्दे पर जदयू के संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा सांसद और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन एक दूसरे से भिड़ गए हैं। जहां एक तरफ इस मुद्दे को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जातीय जनगणना हमारी पार्टी की पुरानी मांग है, इससे हम पीछे नहीं हटेंगे, अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता, यह संवैधानिक अधिकार है। आज मैं इस्लाम कबूल करना चाहूंगा तो मुझे कौन रोक सकता है, धर्म परिवर्तन में दबाव नहीं होना चाहिए। वहीं इस मुद्दे को लेकर भाजपा सांसद ने कहा कि हां, वोट के लिए धर्म छोड़ने की मंशा रखने वाले बेहतर ऑफर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हार्दिक पांड्या ने श्रीलंकाई खिलाड़ी
शमीका करुणा रत्ने को दिया गिफ्ट। भारत के हरफन मौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या अपने अंदाज की वजह से फैंस के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर है। वहीं अब हार्दिक पांड्या ने दिल जीतने का काम किया है। वहीं हार्दिक पांड्या ने श्रीलंका के खिलाड़ी शमीका करुणा रत्ने को अपना बैट गिफ्ट में दिया। हार्दिक से बैट गिफ्ट में पाकर करुणा रत्ने के चेहरे पर खुशी देखने लायक थी। आपको बता दें कि पहले तो हार्दिक पांड्या ने ईशान किशन से बैट मंगवाते हुए उन्हें देखा गया और उसे कुछ देर तक देखते रहे, जिसके बाद हार्दिक अपने बैट को शमीका करुणा रत्ने को गिफ्ट कर देते हैं। शमीका करुणा रत्ने हार्दिक के बल्ले से शैडो प्रैक्टिस करते हुए भी नजर आते हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हार्दिक का ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं अगर इस मैच की बात किया जाए तो भारत ने पहले टी20 मुकाबले में श्रीलंका को 38 रनों से शिकस्त दे दी है। भारत में कोरोना के मिले 40,000 से कम मामले। देश में कोरोना की रफ्तार कम होती जा रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने अभी भी लोगों से संभावित तीसरी लहर को देखते हुए सावधानी बरतने की अपील की है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन के पिछले 24 घंटे में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 39,361 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके पहले 2 जुलाई को 39,742 नए मामले दर्ज किए गए थे। यह एक चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि अगर इसी तरह के रोजाना करीब 40,000 के आसपास नए मामले दर्ज किए गए तो वो दिन दूर नहीं जब देश कोरोना की तीसरी लहर की भयावह स्थिति का सामना कर रहा होगा। इसके साथ ही पिछले 24 घंटे में इस बीमारी के कारण देश भर में 416 लोगों की जान चली गई है। इससे देश में कोरोना से जान गंवाने वालों की कुल संख्या 4,20,967 पर पहुंच गई है। वहीं देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या 35,968 पर पहुंच गई है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में वैक्सीन अभियान के एक बार फिर से शुरू होने से बिहार में सरकार की तरफ से तय किए गए वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा किया जा सकेगा या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दोबारा ना भूलें। धन्यवाद।